सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से व्लॉग बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया क्योंकि कंटेंट भी नहीं मिल रहे। तो उसने बोला कि बहुत टाइम हो गया हमने पीजी कॉलेज नहीं देखा है। तो थैंक यू प्रतिभा ये कंटेंट लाने के लिए। अब ले चलते हैं आपको भी सारे पीजी कॉलेज के मेरे सब्सक्राइबर। सो जो ये आपको सामने दिख रहा है ये आर्ट्स ब्लॉक है। यहाँ पे हमारी भी मैथ्स की क्लास लग जाती थी, बाकी तो आर्ट्स क्लास ही लगती थी यहाँ पे। फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है कॉलेज में। जो पहले यहाँ मिट्टी का हुआ करता था घास घास, अब पूरा टाइल सीमेंटेड भर दिया गया है। तो यहाँ मिस्टर अंकुश, अंकुश पेपर है आज आपका? बढ़िया भाई, पेपर है। हाँ जी भाई जी। तो आज है अंकुश का पेपर। काय का पेपर है? इंग्लिश का पेपर था। हो गया? हो गया, फेल हो गए। आपको और उसे मिलाती हूँ। नमस्ते नमस्ते। तो आ चुके हैं व्लॉग में पायल और प्रीति। आप यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जाम देने आया हूँ। आपका एग्जाम है? या, कौन सा एग्जाम है? हिंदी का, हमारी मातृभाषा हिंदी। ओके ठीक है। कैसे जा रहे हो? ठीक जा रहे एग्जाम? पूछो मत, वो रिजल्ट टाइम ही पता लगेगा। पता नहीं आपको कहते हैं जा रहे। स्ट्रेस तो नहीं है? नहीं, मजे में एकदम। ठीक है भाई, अभी बैठा हूँ मैं पीजी कॉलेज के ग्राउंड में। अभी थोड़ी देर बाद नीचे जाएंगे और लेंगे इंटरव्यू, कैसे जा रहे हैं एग्ज़ाम बच्चों के, और आपको पूरा कॉलेज दिखाएंगे, क्या क्या नया स्ट्रक्चर बन चुका है और क्या क्या होगा, देखते रहो ब्लॉग में। सबसे पहले ले जाते हैं आपको कैंटीन में, तो जहाँ हमारा बचपन बीता है। पहले तो ऊपर थी कैंटीन, अब नई कैंटीन बनी है। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन है नई कैंटीन में। कौन सी मूवी का देख ले फिर सोच रहे। अभी जा रहे हैं हम नीचे की ओर, हॉस्टल का प्रीव्यू देते हैं आपको। हॉस्टल कितना बदला है, बहुत पहले हम यहाँ आते थे रात को। सो ये है हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। तो फाइनली हेलो गाइस, कॉलेज बदल चुका है, बी टू सेकंड फ्लोर। पहले हम बहुत आए के साथ। तो अभी है हम बॉयज हॉस्टल में, ट्रैवल बॉयज हॉस्टल। अभी आपको ऊपर कैंटीन का व्यू दिखाते हैं और आपको साइंस ब्लॉक भी ले जाएंगे। अभी नया नया जो स्ट्रक्चर बना है, पहले ये वाली बिल्डिंग भी नहीं हुआ करती थी, अब ये भी अभी नई बनी है। और ये है ऊपर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, पहले ऊपर कैंटीन हुआ करती थी, अब नीचे आ चुकी है ये कैंटीन। तो ये दोनों और ये हॉस्टल बंदों का। फिर एक घंटे बात करने के बाद, हाँ देवता जी दिखा दिए, देख सकते हैं आप लोग वैली चार ठहरी, बहुत ही बड़े देवते चार ठहरी के। और ये बॉयज, ये था डाइनिंग रूम और अब हम चले वापस। सो एक घंटा बात करने के बाद अब हम बॉयज हॉस्टल से निकल चले हैं वापस ऊपर की ओर।
काफी स्ट्रेस का माहौल क्योंकि एग्जाम चली है आजकल बच्चों के। आज तक बंदा नहीं आया ना कॉलेज का। सो अभी बैठे हैं हम हवा महल और यहीं से हम बंदे को ताड़ा करते थे पहले, तो यहाँ पे हम आपको आगे लग जाते हैं तो ये है हमारे बी एल के क्लासमेट यार के संस में ना दी वो ऑफिस से फोन आया था ना, मैं तभी मैं ध्यान ही नहीं मैं कर रहा था पूरा करण वगैरह होगी। और दूसरी बार आ चुके हैं मेरे व्लॉग में, ये हम दो साथ करते थे मेजर केमिस्ट्री मेजर मैथ्स। ये मेरी बहन पहली बहन कैसे आने वाले सो ये है बी सी ए लैब और ये है हमारा ऑडिटोरियम और जो वो है लाइब्रेरी को रास्ता। तभी आप इतनी मोटी हैं। तभी मेरी मोटी मेरी मेरी मोटी मेरी मोटी तक करा दे। अच्छा मैं तो बंदे रह गया। कौन सी वीडियो सारी वीडियो से करी मैंने तेरी और क्या बोलते ना तुम ना अब जैसे मैं कौन सा जॉब क्वेश्चन देगी जानवर बनेंगे अगली जन्म में आप पता क्या बनेंगे अगली जन्म में मैं तो मच्छर बनूंगा। कहाँ से पढ़ेगा आप सच में सुना रहे हो आप? हाँ तो मजाक कर रहा मैं सांगला बेबी से हूँ। सांगला बेबी से कौन सी जगह आशा चांसू अच्छा क्या बन जाओगे काली आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे पढ़ ही रहे हैं, इनको इतना स्ट्रेस है, पहले बच्चों ने पढ़ना नहीं अब लगे हुए पढ़ने। कुछ कुछ चेंजेस हुई पर नोटिस बोर्ड में जैसे भागती न लड़कियाँ आज तक चेंज हुई, पहले भी ऐसी भागते थे अभी भी सारी बॉयज़ हमेशा चिल मारते हैं आएंगे लेट दिखाएंगे। अभी जतिन को देख सकते हैं आप कैसे आ गया जतिन अभी मेरा भाई। कितना स्ट्रेस है अरे माता के दर्शन करने चले जाते हैं बंदे गलत पड़ गया तो पता लगा मैं गलत बुक कर दी हो गया आज एक तो किन्नौर जाने
राइटिंग भी अच्छी होती तब भी आए कुछ नंबर मिल सकते थे। कहाँ है बड़े भाई? 17 में। चलो ठीक है, चल ठीक है भैया। 17 में कैसे देना पेपर यार? ठीक है वहाँ नहीं करेंगे ज़्यादा चेक। अभी हम कॉलेज से निकले थे और मुझे बिन मौसम की तरह चक दिया है मिस्टर चिराग ने, जो कि एक यूट्यूबर है। तो दिखाते हैं हम चिराग को आगे। चिराग तो चिराग का चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, आगे को निकलेंगे। अभी आज रील्स बनाएंगे। ओके, जो मैक्सिमम शूट होता है चिराग का वो खनेरी का होता है, क्योंकि वही एक पॉइंट है जहाँ पे छाया मिलती है। हाँ, वही एक पॉइंट है रामपुर का जहाँ छाया मिलती है। और जितना ज़्यादा आप मुझे प्यार देते चिराग को भी वैसा ही प्यार दो, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं चिराग को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका भी नया यूट्यूब चैनल खुला है। ये गाड़ी से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं और डेली ब्लॉग भी बनाए गए धीरे धीरे करके। अभी जो मैक्सिमम ब्लॉग है वो गाड़ी से रिलेटेड है, तो इसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई लोग। जगह जहाँ बनाता है चिराग रील्स और मैक्सिमम रील्स देखी उन्हें, वहीं यहाँ नीरज ऑन फायर बहुत बार आ चुके हैं ये भी हमारे व्लॉग में। ये बंदा बनाता है खुद, मैंने इसको फोन किया, ये बोलता बड़े सारे झूठ कि ये है अभी रूम पे, बट ये रूम पे नहीं था, ये हमारे से पहले पहुंच गया लोकेशन में। यस, और लोकेशन देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत।